पूर्वांचल की चर्चित सीट गाजीपुर से हारने के बाद मनोज सिन्हा को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुला लिया है, जिसके बाद रात्रि भोज में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हाथ मिलाते हुए मनोज सिन्हा की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है। गिरिराज सिंह ने तो ये भी लिखा है कि बहुमत तो प्रचंड है, लेकिन गाजीपुर से मनोज सिन्हा जी के हार ने मेरे अंदर एक खालीपन सा पैदा कर दिया है, ये उम्मीद से परे परिणाम ने झकझोर दिया है। वहीं गाजीपुर में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि यहां से जाते वक्त मनोज सिन्हा ने क्या कहा। उनके नजदीक रहने वाले लोगों की माने तो सिन्हा ने गाजीपुर को अलविदा कह दिया है, जबकि वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गाजीपुर में मिली हार को लेकर मनोज सिन्हा इतने दुखी हैं कि कुछ बोल ही नहीं रहे। लेकिन इन सब खबरों का खंडन करते हुए खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि लोकसभा चुनाव में गाजीपुर की सम्मानित जनता, पार्टी के पदाधिकारी एवं निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों ने जो सहयोग, समर्थन और स्नेह दिया, उसके लिए सभी के प्रति हार्दिक आभार। मैं आगे भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में गाजीपुर समेत देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। यानी मनोज सिन्हा के इस ट्वीट ने एक बात साफ कर दी है कि वो गाजीपुर को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही गाजीपुर में विकास थम जाएगा, इस बात पर भी विराम लग जाता है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी का रुख देखने को मिल रहा है और जो मान सम्मान आलाकमान की ओर से मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें मोदी सरकार में सम्मानजनक पद मिलने जा रहा हो। अगर ऐसा होता है तो गाजीपुर का विकास करने में मनोज सिन्हा किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाले हैं। हालांकि सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि मनोज सिन्हा को पिछली बार की तुलना में इस बार बड़ा पद मिलेगा, यानी पिछली सरकार में उन्हें संचार मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला था और साथ ही वो रेल राज्य मंत्री भी थे, तो इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद भी मिल सकता है। फिलहाल इस पर आखिरी मोहर कब लगेगी, इसके लिए पूर्वांचल की जनता मोदी सरकार के शपथ ग्रहण पर टकटकी लगाए बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TDC न्यूज़।